और आने वाले, जैसे गडकरी जी ने इतना काम किया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो सपना था हमारा कभी कभी दुनिया में जाने, मेट्रो हम सिर्फ सपनों में ही देखते थे, आज उन्होंने वो सपना हमारा साकार किया है। मेट्रो आया है, एम्स आया है, और मिहान जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर लाए हैं नागपुर में, और वो नागपुर को नंबर वन का शहर बनाना चाहते हैं, देश का नंबर वन का एक शहर बनाना चाहते हैं। और सीवर लाइन, गटर लाइन, हम नगर सेवकों के जरिए तो ये सब लाइन, मतलब ये सब काम हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस पैमाने के ऊपर भी हम चाहते हैं कि हमारा प्रभाग जो अभी कहीं अनडेवलप है, उसको हम पूरी तरह से डेवलप करें, सर्वांगीण विकास करें, यही हमारा ध्येय है। देश का बड़ा नेता, एक बड़ा कद हमारे इस नागपुर शहर में है। नागपुर में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी है, पर एक ऐसा नेता जो आज पूरे देश, महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में चारों तरफ रास्ते, सीमेंट रोड, ब्रिजेज, बड़े बड़े काम, अभी गंगा नदी का भी उनको डिपार्टमेंट मिला है। आज करीब करीब 40-50% गंगा नदी का प्रियंका गांधी जी बनी है, उन्होंने खुद वाराणसी जाकर गंगा जल पिया है। यही सबसे बड़ा उदाहरण है मोदी सरकार का कि गंगा नदी माननीय नितिन जी ने, माननीय मोदी जी ने शुद्ध कराई गई है।